सो गुड आफ्टरनून ऑल, कैसे हैं सर? कैसा हुआ आप लोगों का टेस्ट? यूटी कैसा हुआ आप लोगों का? क्या हुआ? ओके चलिए. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई जस्ट वांट टू टेल द कनिका हैज आस्क्ड सम क्वेश्चन, है ना, कि हमारा जो इंडिया है वहाँ पर भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, चाइना में भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, फिर भी चाइना ज़्यादा डेवलप्ड है और इंडिया क्यों नहीं? कनिका इज हेयर और नॉट? कनिका ओके. ओके सो क्यों है? क्योंकि चाइना जो है वहां पर क्या होता है बेटा कि सिंगल कम्युनिस्ट पार्टी काम करती है, ठीक है. और इंडिया जो है वहां पर क्या रहता है बेटा, यहाँ पर हर 5 साल में आपको पता है कि गवर्नमेंट चेंज होती है, ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं है. ओके, एक रीजन ये होता है. एक है कि हमारे इंडिया के अंदर अगर हम देखते हैं तो हर घर में आपको एक नेता मिल जाएगा. ओके, तो आप देखेंगे कि जो पॉलिसीज हैं, है ना, वो स्टेबल नहीं रहती. वहाँ पर एक कम्युनिस्ट पार्टी है तो वहाँ पर क्या होता है, किसी तरीके के चेंजेस नहीं आते हैं. हमारे यहाँ पर क्या होता है, एवरी 5 ईयर्स में ये चेंज करना है, वो चेंज करना है, प्रायोरिटीज अलग हो जाती हैं, ठीक है. करप्शन इज वन रीज़न. एंड इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर हम लोग देख लेते हैं कि पढ़ लिख गए तो सिर्फ जॉब की ही हम लोग सर्च करते हैं. जॉब को ही नहीं सर्च करना है भाई, जॉब कोई थोड़ी ना सर्च करना है. अगर आप चाइना के अंदर देखेंगे, यहाँ पर हर घर में आपको एक नेता मिल जाएगा, ठीक है. लेकिन चाइना के अंदर ऐसा होता है कि हर घर में आपको एक वर्क करता हुआ नजर आएगा, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज आपको नजर आएंगी, ठीक है. वो डिपेंड नहीं होते हैं कि आपको सिर्फ जॉब पे ही डिपेंडेंट नहीं है वो लोग, कि नहीं जॉब ही करेंगे तभी आप लोगों का जो है सोर्स ऑफ लाइफ चलेगा. ओके, तो सो दिस इज द रीजन, दैट्स वाई द चाइना इज मोर डेवलप्ड than India. Okay, so today we are going to start the new chapter, that is human development, okay, of the book People and Economy. So human settlement chapter hum log start karne wale hain. Yahan par human settlement mein aap logon ne kya padha tha, hum logon ne world human settlement padhe the, जो पैटर्न है वो हम लोगों ने पढ़ा था, टाइप्स पढ़े थे, रीजंस पढ़े थे उसके अंदर. सो ह्यूमन सेटलमेंट में क्या होता है, ह्यूमन सेटलमेंट क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग ऑफ एनी टाइप ऑफ साइज वेयर ह्यूमन लिव. ओके, स्मॉल हो सकता है, स्पेस्ड हो सकता है, लार्ज हो सकता है, ठीक है. तो अब यहाँ पर जहाँ पर लोग जो हैं वो ग्रुप बनाकर एक आसपास रह रहे हो, मकान बनाकर रह रहे हो, दैट इज कॉल्ड सेटलमेंट. क्या रीजंस होते हैं, एक्टिविटीज, अब बेस्ड किस पे करते हैं, जो हम लोग वेरीफाई करते हैं कि ये अर्बन सेटलमेंट है, दिस इज अ रूरल सेटलमेंट. तो ये जो वेरिफिकेशन होता है ये हम लोग किस बेसिस पे करते हैं, द एक्टिविटीज के बेसिस पे करते हैं. ओके, जनरली टाउन्स हैं, विलेजेस हैं, ये जो क्लैरिफिकेशन होता है ये हम लोग एक्टिविटीज के बेसिस पे करते हैं, क्योंकि एक्टिविटीज में क्या होता है, जैसे कि जो रूरल एरियाज हैं वहां पर मेनली प्राइमरी एक्टिविटीज को फॉलो किया जाता है. ओके, सेकेंडरी एक्टिविटीज होती है, टर्शरी एक्टिविटीज होती हैं, वो अर्बन एरियाज के अंदर की जाती है, ठीक है. क्लासिफाई किया जाता है एक्टिविटीज को, ग्रुपिंग ऑफ पीपल प्लस शेयर रिसोर्सेस. ओके, जहां पर लोग ग्रुप्स में रह रहे हैं और रिसोर्सेस को शेयर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सेटलमेंट. क्लियर हो गया यहां पर इंट्रोडक्शन आप लोगों का सेटलमेंट का? कोई डाउट? हम लोग प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं इस चीज को. नाउ वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन अर्बन सेटलमेंट एंड रूरल सेटलमेंट, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्टली एग्जाम में आता है ये. ओके, सो अर्बन सेटलमेंट एंड रूरल सेटलमेंट में डिफरेंस क्या है? देखिए, अर्बन सेटलमेंट वो होते हैं जहां पर मेनली जो एक्टिविटी होती है वो सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज में पीपल्स इन्वॉल्व होते हैं, इंगेज होते हैं. ओके, एंड रूरल सेटलमेंट्स आर दो सेटलमेंट वेयर पीपल आर मोस्टली द पीपल आर इंगेज इन प्राइमरी एक्टिविटीज. ओके, क्लियर है? देन सेकेंड डिफरेंस इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड टू रूरल एरियाज. देखिए, अब यहां पर क्या होता है, रूरल एरियाज रॉ मटेरियल एंड फूड प्रोवाइड करवाते हैं,
ठीक है। अब आप लोग देखते हैं जो लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, वहां से जितना भी ग्रेन्स होता है, फूड प्रोडक्शन होता है, रॉ मटेरियल्स होते हैं, वो किसको दिए जाते हैं? यहाँ पर दिए जाते हैं, ठीक है, अर्बन एरियाज को सेल आउट करते हैं। अब वो लोग क्या करते हैं, वहां पर उसका प्रोडक्शन का गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं टू नॉट ओनली टू अर्बन एरियाज, टू रूरल एरियाज ऑल्सो। ओके, देन नेक्स्ट इज एल्टीट्यूड सोशल बिहेवियर फॉर्मल होता है इन लोगों का, ठीक है। जो अर्बन एरियाज में जो लोग रहते हैं उनका जो एटीट्यूड है, उनका जो सोशल बिहेवियर है, वो काफ़ी ज़्यादा क्या रहता है, फॉर्मल रहता है, कॉम्प्लेक्स रहता है, फास्ट रहता है। बट इफ़ वी टॉक अबाउट रूरल एरियाज, है ना, मोबिलिटी सॉरी लाइफ इंटीमेट होती है, यानी कि लाइफ इंटीमेट इन द सेंस कि हम बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेशनशिप रहते हैं आपस में। आप लोगों ने गांव में देखा होगा कि एक दूसरे की बहुत हेल्प भी करते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं जुलते हैं, है ना, हर प्रोग्राम्स वगैरह के अंदर आप लोगों ने देखा होगा। तो इनका जो पूछते हैं एक दूसरे को, क्लोजली रिलेशनशिप रहते हैं, है ना, इंटीमेट रहता है इनकी लाइफ। इसके बाद अब जो रूरल एरियाज की अगर हम बात करें तो मोबिलिटी जो होती है यहाँ पर कम होती है, यानी कि यहाँ के जो लोग हैं वो माइग्रेट कम करते हैं यहाँ से, अर्बन एरियाज में ऐसा नहीं होता है। डिफरेंस समझ में आ गया? कोई डाउट यहाँ पे आप लोगों को? ओके, देन आज मैं सिर्फ आपको रूरल एरियाज के ही सेटलमेंट पढ़ाऊंगी, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं पढ़ाने वाली कि आज रूलर भी कंप्लीट कर दिया, अर्बन भी कंप्लीट कर दिया। ओके, सो रूलर सेटलमेंट्स की बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, रूलर सेटलमेंट्स स्मॉलर इन साइज एंड स्पार्शली लोकेटेड। ओके, रूलर्स जो होते हैं, जो सेटलमेंट्स होते हैं, साइज में बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, स्पार्शली लोकेटेड होते हैं, और जो पीपल्स हैं वो क्या होते हैं, स्पेशली लोकेटेड, यानी कि बहुत ज़्यादा दूर दूर घर बने होते हैं, कोई फार्म है उसके आसपास घर बनाए होते हैं, और जो मेनली जो पीपल्स हैं दे आर इन्वॉल्व इन प्राइमरी एक्टिविटीज। ओके, सो फैक्टर्स, क्या फैक्टर्स होते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग रूरल सेटलमेंट्स, ठीक है, फैक्टर्स की बात करते हैं। तो उसमें सबसे पहला फैक्टर आता है आपका फिजिकल फैक्टर। ओके, फिजिकल फैक्टर को देख लेते हैं। फिजिकल फैक्टर, नेचर, टेरेन, एल्टीट्यूड, क्लाइमेट, वाटर, रेनफॉल, ये सारी चीजें देखी जाती है। जो नेचुरल फैक्टर, जो फिजिकल फैक्टर है, यानी कि जो चीजें नजर आ रही हैं, तो आप लोग देखेंगे कि वहां का लैंड सरफेस कैसा है, ठीक है, वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, बहुत ज़्यादा हार्श क्लाइमेट के अंदर कोई भी जाके नहीं रहता है। रेनफॉल, क्योंकि प्राइमरी एक्टिविटीज़ पे डिपेंडेंट होते हैं, तो जनरली हम लोगों को रिवर्स वगैरह के आसपास ही देखने को मिलेगा, ठीक है, लीनियर फॉर्म में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और रेनफॉल देखते हैं, वाटर अवेलेबिलिटी देखी जाती है, क्लाइमेट देखा जाता है, ठीक है, नेचर देखा जाता है, इसके अलावा जो लैंड सरफेस है उसे भी ये लोग देखते हैं। तो ये फिजिकल फैक्टर हो गए, कोई भी माउंटेन्स रीजन के अंदर जाके घर नहीं बनाता है, ठीक है, वहाँ पर उनको जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज की बात करें, जो वहाँ के रिसोर्सेज हैं जिनसे वो काम करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें वो देखते हैं। एग्रीकल्चर वर्क होता है, इस वजह से उनको प्लेन रीजन्स चाहिए होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज कल्चरल एथनिक। कल्चरल एथनिक इन द सेंस कि वो सोशल, कल्चरल, कास्ट एंड रिलीजन्स पे डिपेंड करते हैं। आप लोग देखते होंगे कि आप ज़्यादातर जो घर है, गांव वगैरह है, तो अपनी ही कास्ट के, अपने ही रिलीजन्स के लोगों के साथ में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, ठीक है, तो वो लोग वहीं पर जाके अपने जो रेजिडेंट्स हैं वो बनाते हैं। तो ये सारे कल्चर आप देखेंगे कि कहाँ पर हिंदू है या पंजाबी वगैरह है, तो पंजाब के अंदर ही रह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें देखकर ही लोग अपने घर बनाते हैं। देन सिक्योरिटी फैक्टर, सिक्योरिटी फैक्टर्स भी होता है कि आप लोग सिक्योर हैं या नहीं है। अब कोई बॉर्डर पे तो घर नहीं बनाएगा ना जाके, ठीक है, वहाँ सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। सिक्योरिटी में एक चीज़ और आती है, अब जैसे कि आप देखेंगे डिफेंस अगेंस्ट थेफ्ट एंड रॉबरी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा चोरियाँ वगैरह हो रही हैं या इस तरीके के किसी भी तरीके के इंसिडेंट्स होते हैं, वहाँ लोग ज़्यादा नहीं रहते हैं, ठीक है, जहाँ पर कम होती है वहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं, इनको सिक्योरिटी फैक्टर बोला जाता है। क्लियर होगा, फैक्टर्स क्लियर हो गए आप लोगों के? कनिका,
आपने लेट ज्वाइन किया। आपने क्वेश्चन पूछा था ना, चाइना बहुत ज्यादा डेवलप क्यों है पॉपुलेशन ज्यादा होने के बावजूद। हेलो कनिका, आर यू हियर? कनिका इज नॉट हियर। कनिका थी अभी बेटा, चलो ठीक है। सो नाउ विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ रूलर सेटलमेंट्स। ओके, टाइप्स ऑफ रूलर सेटलमेंट्स की हम बात करते हैं। बिल्डअप एरिया एंड इंटर हाउस डिस्टेंस। यहाँ पर देखो क्या होता है, सबसे पहला जो डिफरेंस देखेंगे वो है क्लस्टर सेटलमेंट। क्लस्टर सेटलमेंट इन द सेंस क्या होता है, क्लस्टर यानी कि बहुत पास पास, ठीक है, जो बहुत क्लोजली जो घर बने होते हैं उनको हम क्लस्टर कहते हैं। अब देखेंगे ये दो बेसिस पे होता है, एक होता है सिक्योरिटी बेसिस पे, एक होता है वाटर के बेसिस पे, ठीक है। जहां पर लोगों को पानी मिलेगा तो वहां पर क्या होंगे, आसपास घर बना लेंगे लोग, ठीक है। जहां सिक्योरिटी मिलेगी वहां पर भी कि यार एक दूसरे का सहारा बनते हैं या एक दूसरे का बहुत ज्यादा दूर मकान नहीं बनाते हैं, है ना, तो वो लोग भी क्या करते हैं, पास पास अपने घर बना लेते हैं सिक्योरिटी बेस पे। सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्लोजली स्पेस्ड, नो स्पेस बिटवीन हाउसेस, इनके जो घर होते हैं उनमें ज्यादा गैप नहीं होता है, बहुत पास पास घर होते हैं, ठीक है। लिविंग प्लेस इज सेपरेटेड फ्रॉम फार्म्स बैम्स एंड पास्चर्स, ठीक है। ये क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई फार्म है उसी के आसपास में ये लोग क्या कर लेते हैं, इस तरीके से घर बना लेते हैं पास पास में, ठीक है। पास्चर्स वाला एरिया जो होता है जहां पर वो अपने कैटल्स वगैरह को क्या करवाते हैं, ग्रेजिंग करवाते हैं। ओके, देन जियोमेट्रिकल शेप, अगर हम बात करते हैं जियोमेट्रिकल शेप की तो रेक्टेंगल में होते हैं ये, मेनली रेक्टेंगुलर शेप में देखे जाते हैं, रेडिकल शेप में देखे जाते हैं, लीनियर शेप में देखे जाते हैं, बिकॉज वाटर वगैरह होती है, कोई रिवर वगैरह है उसी के पास में आसपास जो घर बना लिए, ठीक है, तो वो लीनियर शेप बन जाता है उनका। नॉर्थ ईस्टर्न, है ना, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के अंदर बुंदेलखंड जो प्लेस है, यहाँ पर वन मार्क का क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा, बुंदेलखंड नागालैंड, ये सिक्योरिटी बेसिस पे आप यहाँ पर आपको क्लस्टर फॉर्म के सेटलमेंट्स देखने को मिलेंगे। अब देखिए राजस्थान है, राजस्थान में वाटर, ओके, वाटर एक बेस होता है जिसकी वजह से यहाँ पर क्लस्टर सेटलमेंट्स देखने को मिलता है, कि जहाँ पर भी राजस्थान में वैसे भी पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, तो उन एरियाज में जहाँ पानी बहुत ज़्यादा होता है तो वहीं पर आसपास आकर लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोजली घर बना लेते हैं। और फर्टाइल लैंड भी एक फैक्टर होता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड होगी ऑब्वियसली प्रोडक्शन अच्छा होगा, है ना, तो एग्रीकल्चर वैसे भी हमारे इंडिया का मेन ऑक्यूपेशन है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। डिफरेंस समझ में आ गया, कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गए, क्या क्या पॉइंट्स आपको लिखने हैं, इनको सबको सेंटेंस में बनाकर आप लोगों को लिखना है, ठीक है। अब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए इस तरीके से ये रहता है कि यहाँ पर पूरा बना दिया और यहाँ पर बीच में या किसी भी एरिया में यहाँ पर पास पास में ये लोग घर बनाकर आपस में रहते हैं, तो ये क्या कहलाता है, क्लस्टर सेटलमेंट कहलाता है। क्लियर है? नाउ यस मैम, नेक्स्ट इज सेमी क्लस्टर। सेमी क्लस्टर सेटलमेंट वो सेटलमेंट होता है, जैसे कि कोई भी फैमिली है जो जिसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, पावर है, ठीक है, कोई ना कोई ऐसा रीज़न होता है जिसकी वजह से वो डोमिनेट फैमिली सोसाइटी हो जाती है, तो वो क्या करती है यहाँ पर बीच में, है ना, अपना घर बना लेती है, और जो लोअर सोसाइटी के जो लोग होते हैं वो उसके पास में दूर जाकर पास पास में घर बना लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, क्लस्टर तो है लेकिन ये इसको क्या कर दिया जाता है, सेग्रीगेट क्लियर कर दिया जाता है, सेपरेट होता है, तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सेमी क्लस्टर। सेमी क्लस्टर सिचुएशन देखने को मिलती है, ठीक है। तो सेग्रीगेशन ऑफ लार्ज विलेज, ओके, डिस्पर्स्ड क्लस्टर होता है यहाँ पर, यानी कि ये देखिए यहाँ पर क्या हो गया, दूर हो गया ना, ये वाला जो घर है वो उसको दूर बना दिया यहाँ पर, ठीक है। डोमिनेट कम्युनिटी कैप्चर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन विलेज, जो डोमिनेट फैमिली होती है जिसके पास पावर ज़्यादा है, जिसके पास पैसा ज़्यादा है, तो वो इस तरीके की फैमिली क्या करती है, कोई भी इम्पॉर्टेंट पार्ट के अंदर वहाँ पर उस प्लेस को कैप्चर कर लेती है और वहाँ पर रहने लगती है, ठीक है।
ये इस तरीके का जो सेटलमेंट है वो कहाँ देखने को मिलता है आप लोगों को? गुजरात एंड राजस्थान के अंदर देखने को मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से पुट होता है कि सेमी क्लस्टर जो सेटलमेंट्स हैं वो किन जगह पर देखने को मिलता है, तो दैट आंसर विल बी गुजरात एंड राजस्थान। तो यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डोमिनेट कम्युनिटी जो होती है वो कैप्चर कर लेती है बीच में, और जो बाकी जो बाहर दूर जाकर मीडियम वर्कर्स होते हैं जो कि आउटसाइड के अंदर होते हैं, वो वहां पर पास पास में रहते हैं। क्लस्टर भी हो गया और ये डिस्पर्स भी हो गया, ठीक है, समझ में आ गया इतना? अब देखिए नेक्स्ट है हैमलेटेड, हैमलेटेड सेटलमेंट, दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ रूरल सेटलमेंट। हैमलेटेड सेटलमेंट्स बेसिकली सोशल एंड एथनिक फैक्टर्स होते हैं, है ना। अब देखो ईच हैमलेट्स यूनिट, अब देखेंगे कि किसी भी एरिया में, अब यहाँ पर कोई एरिया है, ठीक है, यहाँ पर कोई कम्युनिटी है, सोसाइटी है, वो रह रही है, यहाँ पर कोई दूसरे कम्युनिटी वाले लोग रह रहे हैं, यहाँ पर दूसरी कम्युनिटी वाले लोग रह रहे हैं, यहाँ पर दूसरी कम्युनिटी वाले लोग रह रहे हैं, तो मेनली जो कास्ट के बेसिस पे होता है, रिलीजन के बेसिस पे, ये लोग अपने अपने ग्रुप बनाकर अलग अलग रहते हैं, दैट इज कॉल्ड हैमलेटेड सेटलमेंट। ओके, अब देखो ईच हैमलेट यूनिट्स जो होती है, अलग अलग यूनिट्स होती है, हैमलेट यूनिट्स होती है। अब इनके कुछ लोकल नाम होते हैं, क्या होते हैं देखो, जैसे कि पन्ना बोला जाता है, पारा बोला जाता है, नागला बोला जाता है, ढाणी एसेट्रा, ओके, ये सारे इनके नाम होते हैं। मिडिल लोअर गंगा, यहाँ पर इस तरीके के जो सेटलमेंट्स हैं बेसिकली कहाँ देखने को मिलते हैं? मिडिल लोअर गंगा रीजन के अंदर आप लोगों को फुटहिल्स में वहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है, लोअर पार्ट के अंदर, प्लेन्स में, छत्तीसगढ़ हो गया एंड लोअर वैली ऑफ हिमालय। ओके, लोअर वैली ऑफ हिमालय में देखने को मिलेगा आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर बता रही हूँ आपको, छत्तीसगढ़ इज एन एग्जाम्पल। ओके, यहां पर आपको हैमलेटेड टाइप के सेटलमेंट्स देखने को मिलेंगे, क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट इज डिस्पर्स्ड, ओके, नेक्स्ट इज डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। डिस्पर्स्ड सेटलमेंट क्या होता है? देखो डिस्पर्स्ड का मतलब क्या होता है? दूर दूर, बहुत ज्यादा दूर फैला हुआ, ठीक है, आइसोलेटेड हट्स होती हैं, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फिगर से समझा देते हैं आप लोगों को, जैसे कोई ये घर है, यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर बना हुआ है, ये घर एक यहाँ बना हुआ है, यहाँ बना हुआ है, यानी कि बहुत दूर दूर जो है वो घर बने होते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। ओके सॉरी, और हैमलेट्स इन रिमोट एरिया, है ना, काफी ज्यादा जहां पर पहुंचा नहीं जा सकता उन एरियाज में घर लोग जाके बना लेते हैं, ठीक है। बेसिक मेनली ये कहाँ होते हैं? जैसे कि मेघालय में हो गया आप लोगों का एग्जाम्पल, मेघालय में देखने को मिलेंगे आपको, हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे, उत्तरांचल में देखने को मिलेंगे, केरला हो गया, ओके, इनको लोकल नेम से जाना जाता है, दैट इज पन्ना पाली, है ना, इस तरीके से बोला जाता है इन घरों को। तो देखिए ये इस तरीके के जो हैमलेट्स हैं, सॉरी, इस तरीके के जो सेटलमेंट्स हैं वो ज़्यादातर जंगल्स में देखने को मिलते हैं, हिली एरियाज में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एक घर बहुत दूर है, दूसरा घर बहुत दूर है, ठीक है, जंगल वगैरह के अंदर भी बहुत ज़्यादा जहाँ मैशी एरिया होते हैं वहाँ पर वो ऊपर थोड़े से जो बैम्बूज वगैरह होते हैं ऊपर बनाते हैं वो लोग, बहुत दूर दूर बनाते हैं, है ना, विथ फार्म और पास्चर्स, टेम्प्रेरी हाउसेस बनाते हैं वहाँ पर, ये लोग क्या कर लेते हैं, टेम्प्रेरी हाउसेस बनाते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत जल्दी, इनके जो घर हैं वो टूट जाते हैं। तो इस तरीके के जो सेटलमेंट्स हैं इनको, जो आइसोलेटेड हट्स होती हैं इनको हम कहते हैं डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। और ये सारे जो पार्ट्स मैंने अभी आपको बताए, ऑल दीज आर टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। ओके, हैव यू अंडरस्टूड और नॉट, टेल मी। आज हमने क्या पढ़ा? ह्यूमन सेटलमेंट की डेफिनेशन देखी, रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स में डिफरेंस देखा, फैक्टर्स देखे, ठीक है, एंड रूरल सेटलमेंट्स के टाइप्स देखे। कोई डाउट किसी भी तरीके का? नो मैम। इजीली समझ में आया? आप पढ़ेंगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, वहां फिगर नहीं बने हुए हैं, यहां मैंने आपको फिगर से समझाया है, कोई भी डाउट हो पूछ लीजिए। आज इतना बहुत है, Yes. है ना, इतना बहुत है। अभी जो आप लोगों ने इसको नोट किया,
नहीं नोट किया हो तो भी आप बुक से देखिएगा और अपने इस बेसिस पे अपने नोट्स बनाइएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग अर्बन सेटलमेंट्स के टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है। ओके।